तबलीगी जमात की लापरवाही की वजह से देश में कोरोना संकट बढ़ गया है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि अब भी तबलीगी जमात के लोग मेडिकल स्टाफ का सहयोग नहीं कर रहे हैं। उन्हें तुगलकाबाद के आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है, जहां वो जगह जगह पर थूक रहे हैं, जिससे कोरोना वायरस के फैलने का खतरा बढ़ रहा है। निजामुद्दीन से निकाले गए तबलीगी जमात के लोग अपनी जांच और इलाज के दौरान डॉक्टरों से सहयोग नहीं कर रहे हैं। ये बात बताई है उत्तर रेलवे के CPRO दीपक कुमार ने। तुगलकाबाद में रखे गए कुछ जमात के लोग मेडिकल स्टाफ के साथ बदसलूकी भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने मेडिकल स्टाफ पर थूका भी और गैर जरूरी चीजों की मांग भी की। दरअसल मरकज खाली करवाने के बाद तबलीगी जमात के 167 लोगों को रेलवे के तुगलकाबाद में बने आइसोलेशन सेंटर में रखा गया है। रेलवे के CPRO दीपक कुमार ने बताया कि 97 को डीजल सेल ट्रेनिंग सेंटर में और 70 को CPR बैरक में रखा गया है, जहां ये लोग बिल्कुल भी सहयोग नहीं कर रहे हैं। सेंटर में इधर उधर घूमने के साथ साथ गैर जरूरी चीजों की मांग भी की जा रही है। इसके साथ साथ उन्होंने इधर उधर थूकने के साथ साथ स्टाफ पर भी थूका है। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के फैलने में थूक की बड़ी भूमिका होती है। निजामुद्दीन में तबलीगी जमात का मरकज देश में कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। दिल्ली में आए 32 मरीजों में से 29 इसी मरकज के हैं। देश भर में पहुंचे इन लोगों में से अब तक 300 से ज्यादा इस महामारी से पीड़ित मिले हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।